नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। मकर संक्रांति का भोज चारों ओर चल रहा है। कल से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है अभी तक रुकने का नाम ले नहीं रहा है। कल जेडीयू के एक बड़े नेता वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था, जहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान समेत कई बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर पहुँचे थे। उसके बाद लोजपा कार्यालय में भी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था। उन सारी तस्वीरों से हमने आपको रूबरू करा दिया है। लेकिन रिम्स में जो इस वक्त भर्ती है लालू प्रसाद यादव, सबकी निगाहें उन पर हैं, क्या उन्होंने दही चूड़ा खाया है। हालांकि जो खबरें निकल के आ रही हैं रांची के रिम्स अस्पताल से, उन्होंने दही चूड़ा खा लिया है, रस्म जो अदा की जाती है वो रस्म अदा कर दी है। लेकिन उसके बाद उनके सेहत पर क्या कुछ असर पड़ा है, बुलेटिन एक बार फिर से जारी कर दिया गया है रिम्स अस्पताल से। डॉक्टर डीके झा जब लालू प्रसाद यादव से मिलकर आ रहे थे तो क्या कुछ कहा है लाइफ जी से बातचीत करते हुए, जरा सुनिएगा। तो आज जो हम लोग बोलते हैं कैलोरी, मतलब इक्विवेलेंट एक्सचेंज डाइट, मतलब उतना ही कैलोरी जितना लंच में वो चावल दाल खाते हैं रोज, चावल दाल आज नहीं खाएंगे। उन्होंने इच्छा जाहिर की तो 100 ग्राम तक चूड़ा और आधा किलो तक दही, जो करीब 500 कैलोरी के बराबर होता है, और उनके परिवार वालों ने शुगर फ्री तिलकुट की व्यवस्था की है, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की है तो लंच में खाएंगे आज वही चावल दाल नहीं खाएंगे, चूड़ा दही अपना खाएंगे लंच में। सर स्वास्थ्य ओवरऑल कैसा है? सर ठीक है, स्टेबल है, स्टेबल। तो ये डाइट चार्ट आज ही तक रह गया? नहीं नहीं, आज के लिए, आज के दिन के लिए है कि वो चावल दाल जो है नहीं खाएंगे और चूड़ा दही खाएंगे, रोज के रोज चूड़ा दही खाए के फिर अपना नॉर्मल डाइट खाएंगे। हम लोग का यही आइडिया है कि उनको 1600 से 2000 कैलोरी देना है, 1600 1500 से 2000 कैलोरी पर रहेंगे वो, तो उसी में रहना है। कैलोरी अगर टोटल हम लोग सेम रखते हैं कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, कि चावल चूड़ा भी तो चावल से ही बनता है ना, तो क्योंकि चावल दाल आज नहीं खाएंगे तो चूड़ा दही खा लेंगे। अच्छा, जोड़ों में दर्द की शिकायत कर रहे थे? जोड़ों में जो पेरी आर्थराइटिस है उसके लिए फिजियोथेरापी के लिए हम लोग लिखे हैं, और अल्ट्रासाउंड माइक्रो मसाज और शॉर्ट वेव डायथर्मी, वो शायद दो मशीनें खराब है तो वो ठीक हो जाएंगी तो उसको स्टार्ट होगा। और घुटना वाला जो जोड़ है वो, उसको तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए साइंस के पास बहुत दवा हुआ है नहीं, उसमें है कि नीचे पैर मोड़ के मत बैठिए, तो नहीं बैठते नीचे, चटाई पे मचिया पे मत बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, तो उसके लिए जो है कुछ वही लैंप वगैरह से कुछ लिए, शॉर्ट वेव डायथर्मी से ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए भी हम लोग हल्का मसाज वगैरह या कुछ लोकल एनाल्जेसिक क्रीम वगैरह देके काम चलाएंगे। उसके लिए साइंस के पास बहुत दवाएं हुआ नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ जो घिस गया उसके लिए साइंस के लिए बहुत दवाएं हुआ नहीं है, साइंस ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत दवाएं नहीं है। और जो बाह का जो जोड़ है उसमें पेरी आर्थराइटिस जो है वो जकड़न हो जाता है, जैसे बारिश में दरवाजा जकड़ जाता है उसी तरह की चीज़ है, वो धीरे धीरे इलाज से ठीक हो जाता है। आपने सुना किस तरह से डॉक्टर डीके झा ने लालू प्रसाद यादव के सेहत को लेकर के चिंताएं जताई हैं, साथ साथ ये कहा है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा उम्मीद है, और दही चूड़ा खा लिया है लालू प्रसाद यादव ने। एक तरफ जहां इस वक्त सदाकत आश्रम में तेजस्वी यादव मौजूद हैं, एक बड़ी मीटिंग चल रही है बंद कमरे के अंदर, हो सकता है अब खरमास खत्म हो गया हो तो उपेंद्र कुशवाहा को जल्दबाजी थी सीटों की ऐलान को लेकर के, अब शायद लगता है वो पर्दा उठ जाएगा आजकल के अंदर। इस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन दही चूड़ा का जो भोज है, जो सियासत है, भोज तो हो चुका है लेकिन जो सियासत है वो अब होगा। अब आने वाले दिनों में इस सियासत पर से जैसे ही पर्दा उठता है हम उस सीटों के आकलन से भी आपको रूबरू कराएंगे, किस पार्टी को कितने सीटें जा रही हैं, उन सीटों के समझौते से भी आपको रूबरू कराएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको अपडेट करते रहें। धन्यवाद।